सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज जो है ये कौन सा गांव है भैया? करनपुर डॉक्टर जगदीश सिंह के प्लाट पे आया हूँ मैं अनिल मोर। आज इनके जो है गेहूँ की बुआई के समय जो है MD बायोकल्स कंपनी का जो है इंद्रधनुष प्रोम का प्रयोग हुआ था DAP की जगह पे, और आप सभी किसान भाई जो है देख सकते हैं गेहूं को कितना हरा भरा और पत्तियां जो हरी भरी, बाली की लंबाई और इसके लगभग 4 इंची से लेकर जो है 6 इंची के आसपास है, ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों बाली की लंबाई। और इंद्रधनुष प्रोम का प्रयोग करके जो है हमारे धनंजय भाई जो है इस खेत की बुवाई करते हैं करनपुर में जो है, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इनको मिला है इंद्रधनुष प्रोम का, और बहुत संतुष्ट हैं। तो मैं चाहूँगा कि और किसान भाई जो है अपनी कोई भी फसल की अगर बुवाई कर रहे हैं तो DAP के जगह पे जो है इंद्रधनुष प्रोम का प्रयोग करें, और पौधे की मोटाई भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छा ग्रो है इंद्रधनुष के प्रयोग से। ये कितना मतलब कि ये खेत कितना है भैया? 24 बीस। ये 24 बीस में कितना बड़ा था कैट प्रोम सॉरी इंद्रधनुष प्रोम? 2 किलो के विषय है ना, दो किलो विस्सा पड़ा था ना। हाँ दो। तो देखिए भैया जो है 50 किलो जो है अपना प्रोम डाले थे ये, और ये वैरायटी जो है 187 लगाए थे DBW 187 करण बंदना। देखिए अभी तक पौधा काफ़ी एकदम हरा भरा है, इसकी पत्तियाँ जो है एकदम हरी भरी है। ये भैया जो है अपना इंद्रधनुष प्रोम का कमाल है, और इसमें और कुछ भी दूसरा डाले भी नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं डाले हैं? नहीं नहीं, हर साल तो आप बीगर उगर भी डालते थे। इस बार बीगर भी नहीं, इस बार कुछ नहीं, बस पानी चला के यूरिया मारे, सिर्फ अपना खाली इंद्रधनुष प्रोम और जो है और उसके बाद सिंचाई के बाद खाली यूरिया। और काफी फसल आपका इस बार अच्छा लग रहा है, हर साल से अच्छा लग रहा है। हर साल बीगर भी जी। देखिए इसमें गेहूँ में जो है कल्ले भी आपको दिखा सकते हैं, भैया इसको गिनिए तो आप इसमें कितने टिल्लिंग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-10 कल्ले इसमें हैं, और लमसम जो है सब फूट रहा है।